और मैया सम्मान योजना ने दी हमें नई पहचान, और मैया सम्मान यात्रा में हम सभी सहभागी हो रहे हैं आज यहाँ। मैं आज बहुत ही प्रसन्नता के साथ, जिन पर पूरे झारखंड को गर्व है, ऐसी शक्तिशाली महिला हम सबके बीच मंच पर आसीन है, जोरदार तालियों से उन्हें आमंत्रित करें हम सभी। माननीय विधायक गांडे विधानसभा क्षेत्र मैम श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन जी से सादर निवेदन, आपके विधिवत संबोधन, उद्गार अभिव्यक्ति और शुभकामना हेतु। मैम बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। मेरा पहला कदम है मनोहरपुर में, लेकिन जिस तरीके से आप लोगों का प्यार हम लोगों को मिल रहा है, वो देख के ताकत आती है, और ये ताकत और आपके चेहरे की मुस्कुराहट आज अगर आप लोग को मिल रही है, झारखंड की आधी आबादी को मिल रही है, चाहे जलसैया दीदी की हो, चाहे हमारी स्वास्थ्य दीदी की हो, नर्स दीदी की हो, जेएसएलपीएस की बहनें हो, पोषण सखी हो, मैं ये कहना चाहती हूँ, ये चेहरे में खुशियाँ, ये चेहरे में चमक, आप लोगों को झारखंड में ये ताजुब होगा कि झारखंड में ये पहली बार है कि किसी मुख्यमंत्री ने हमारी आधी आबादी के बारे में सोचा है, हमारी महिला कर्मियों के बारे में सोचा है। सरकारी जितनी हमारी महिला कर्मी हैं उनको चाइल्ड केयर लीव मिला है, और ये झारखंड में पहली बार हुआ है। हमारी सब जेएसएलपीएस दीदियों को 11,000 करोड़ का क्रेडिट लिंकेज मिला है, ताकि वो खुद भी स्वावलंबी हो, अपनी सहायता के लिए उस राशि का उपयोग करें, और अपने समाज में भी, अपने परिवार में भी जितनी बहनें हैं, बेटियां हैं, माताएं हैं, उन सबको भी निरंतर आगे बढ़ाने का काम करें। हम महिलाएं हर घर में, हर किसी परिवार में, अपने परिवार में अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करती हैं, अपने जीवन साथी के साथ कदम से कदम मिला के चलती हैं, अपने बच्चों की देखभाल करती हैं। आज देखिए यहाँ माताएं भी आई हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं साथ में, ये जिम्मेदारी वो अपने आप से लेती है। क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ कि सबसे ताकतवर अगर प्राणी है धरती में, वो माँ है। चाहे आप उनको जानवरों के रूप में देखें, चाहे आप चिड़िया के रूप में देखें, चाहे आप किसी भी प्रजाति में देखें, एक माँ हमेशा अपने बच्चे के लिए, हमेशा अपने परिवार के लिए, हमेशा अपनों को मानने वाले लोगों के लिए निरंतर लड़ते रहती है, और अपना काम, अपनी जिम्मेदारी निष्ठा के साथ निभाती है। बस एक छोटी सी आशा रखती है अपने समाज से, अपने परिवार से, कि कोई उसे दो मीठे बोल बोल दें, कोई उसको कंधे पे हाथ रख के बोल दे कि आज तुमने खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया है, थोड़ा उसको सहला दे, उसको बता दे कि आज तुमने जो काम किया है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसमें और आगे बढ़ो। ज़रूरत है हमारे आत्मविश्वास को और बढ़ाने की, ज़रूरत है हमारे मान सम्मान को और जगह देने की, और इसी की ये यात्रा है, मैया सम्मान यात्रा। आपको मैं बताना चाहूँगी, एक संवेदनशील व्यक्ति के अंदर में ही ऐसी एक संवेदनशील सोच आ सकती है, और वो सोच हमारी आधी आबादी के लिए है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हमारे झारखंड में पहली बार झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत हुई है, ये एक सम्मान राशि है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हमारी दीदी बहनों लोगों से पूछना चाहती हूँ, आपको ये योजना पसंद आ रही है? आ रही है सबको? अपने दोनों हाथ उठा के बताइए, सबको पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है? आपके दादा ने, आपके भाई ने, आपका बेटा ने ये योजना आपके लिए इसलिए लाया है कि उनको पता है
कि हमारी आधी आबादी शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, आर्थिक तौर पर हमेशा अपने आप को पीछे रखती है, लेकिन ये वक्त अब पीछे रहने का नहीं है, ये वक्त अब निरंतर आगे बढ़ते रहने का है। मैं आप लोगों को इतना बताना चाहती हूँ, आज हम लोग लड़ रहे हैं अपनी पहचान के लिए, हम लोग लड़ रहे हैं अपनी परंपरा को बचाने के लिए, हम लोग लड़ रहे हैं अपनी भाषा को बचाने के लिए। आज हम लोग कोल्हान में आए हैं हमारे वीर शहीद, हमको उनको नमन करते हुए और उनसे प्रेरणा लेते हुए ये सीखते हैं कि हमारी पहचान क्या है, हमारी आदिवासियों की क्या पहचान है, हमारे गरीब गुरबा की क्या पहचान है। आज हम लोग अपनी भाषा को बचाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। आप जानते हैं कि हम निरंतर लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में लाने के लिए, लेकिन देख लीजिए किस तरीके से केंद्र में लोग बैठे हैं, दूसरे पार्टी में भी आदिवासी नेता है, दूसरे पार्टी में भी हो नेता है, लेकिन कभी भी हमारी आवाज उठाने वाले, हमारी भाषा को पहचान देने वाले वहां पर में अपनी बात नहीं रखते हैं। और हम चुनते किस लिए हैं? हम अपना प्रतिनिधित्व अगर करने का किसी को जगह देते हैं, हम इस मान के साथ देते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता को वो पहचान मिलनी चाहिए जो हमारा हक है, हमारा अधिकार है। सारंडा का जंगल है, किरीबुरु है, क्या है ये सब? ये एक आदिवासियों की पहचान है। हम पैसे से संपन्न नहीं है, हम संपन्न है अपनी सभ्यता से, हम संपन्न है अपनी परंपरा से, हम संपन्न है अपनी भाषा और बोली से, लेकिन हमको उसकी जगह भी नहीं मिलती है। और आज देखिए जंगल में जिस तरीके से हमको जंगल के उत्पाद मिलते हैं, इमली मिलता है, शहद मिलता है, चिरौंजी मिलता है, मड़वा मिलता है, आपको जान करके हैरानी होगी कि झारखंड में जंगल में रहने वालों के लिए ये एक जीविका का साधन है, लेकिन जो हमें मूल्य दर उसको मिलता है वो शर्म आती है। केंद्र सरकार को शर्म आनी चाहिए कि झारखंड के समान को, अगर मैं आपको उदाहरण देना चाहूं, ला उसका हमको मूल्य दर मिलता है 250 रुपया, 250 रुपया, लेकिन जैसे ही मार्केट में चला जाएगा वो आपको 1200-1500 रुपए में चला जाता है। तो ये मजाक केंद्र सरकार झारखंड के साथ ही क्यों करती है? अगर इतनी चिंता है तो गहन चिंतन की आपको जरूरत है। अगर आपको झारखंड की इतनी चिंता है तो हमारे जंगल में रहने वाले लोगों जिनकी जीविका का साधन है उनके असली मूल्य दर तक आप लोगों को पहुंचाना होगा। अगर वो जंगल से शहर नहीं जा सकते तो शहर के दर को आपको जंगल तक लाना होगा ताकि उनका जीवन सुदृढ़ हो पाए। आज हम आ रहे थे रास्ते में और रास्ते में हम लोगों ने देखा कितना मनोरम दृश्य है, नदियां बह रही हैं, झरने हैं, सुंदर पहाड़ है, हरी भरी वादियां हैं, लेकिन ये हरी भरी वादियों को खत्म करने का काम कौन करता है? ये हरी भरी वादियों में खुशहाली को उजाड़ने का काम कौन करता है? आपने छत्तीसगढ़ में हसदेव का जंगल देखा ही होगा, वहां पर में हसदेव के जंगल को काट दिया गया, काट करके उसे बर्बाद कर दिया गया। और क्या है प्रकृति? ये प्रकृति अगर हमारे ऊपर प्रहार करती है तो ऐसे ही लोगों की मानसिकता के साथ में प्रहार करती है, जो जंगल नहीं रहने देना चाहते, जो जमीन से सारे खजाने निकाल लेना चाहते हैं, लेकिन बदले में हमारी प्रकृति को वापस कुछ नहीं देना चाहते हैं। आज इस मन से जो लड़ाई हम पहले भी लड़ते आए हैं, जो लड़ाई हम निरंतर लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे, जब तक हमारे जंग जंगल जमीन, हमारी पहचान ये लोग छीनने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं बता देना चाहती हूँ, यहाँ हमारे जितने भाई बहन हैं, आप सभी को लड़ने के लिए तैयार रहना है, क्योंकि आपका हेमंत दादा, आपका हेमंत बेटा वो अकेले लड़ रहा है और इसमें मुझे साथ चाहिए आप लोगों का। तो क्या आप अपने दादा के साथ,
अपना बेटा के साथ निरंतर लड़ने के लिए तैयार है? आप बताइए, दूर में जितने भी खड़े हैं, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो आप बताइए कि हेमंत सोरेन जी के साथ आप हैं? जोर से बताइए कि क्या आप हेमंत सोरेन जी के साथ में हैं? और इस आवाज को, इस गूंज को इतनी दूर तक लेके जाना है और ये बताना है कि झारखंड संगठित है, हम सब संगठित हैं, चाहे हम जिस भी धर्म जाति से क्यों ना आते हो, झारखंड के सारे लोग, हम लोग सब संगठित हैं। तो ये मन में विचार लेकर के और ये गूंज को दूर तक पहुंचाना है और इस मन से आप लोगों को ये संकल्प लेकर के जाना है कि लड़ाई जितनी भी गंभीर क्यों ना हो, आपको निरंतर लड़ते रहना है, क्योंकि ये हमारी धरती है, आंदोलनकारी धरती। और इस धरती में हमारे जितने भी वीर शहीद हुए हैं, हमारे उनको पोटोहों को आप जानते ही हैं क्या है, क्यों ना क्यों इन्होंने अपनी जान दी अपने इस जगह को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने झारखंड को मान सम्मान दिलाने के लिए। तो मैं आप सभी से बस इतना कहना चाहती हूँ, आप सभी लोग यहाँ आए हैं, दूर दराज से आए हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और आप सभी को बहुत प्रणाम करना चाहती हूँ। ये नारी शक्ति है और इस बार नारी शक्ति का असली स्वरूप देखने वाला समय अब निकट आ गया है। बस आखिर में आप सभी को अपनी खुद की पहचान, अपनी खुद की ताकत और अपने खुद के अधिकार के लिए लड़ना होगा और उसको लड़ करके जीतना भी होगा। तो आप तैयार हैं? तैयार है मेरी सारी दीदी बहने दादा, तैयार है ना? तो नारी शक्ति के लिए एक जिंदाबाद होना चाहिए। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, मैया सम्मान योजना जिंदाबाद, मैया सम्मान योजना जिंदाबाद। और देखिए, मैं बताना चाहूंगी, बहुत सारे लोग आजकल आ रहे हैं और बता रहे हैं हम ये कुछ नई योजना लाएंगे, उसका दर हमारे दर से ज्यादा दिखाने का प्रयास करेंगे। भटकिएगा नहीं, यही है बहुरूपिये। आज दो किश्त जा चुकी है, चेहरों में खुशियां आ चुकी हैं। अगर बीजेपी वालों को हमारी आधी आबादी की इतनी चिंता होती तो पिछले जो 5 साल की सरकार, ये बार बार बोलते हैं कि हमने 5 साल सरकार चलाई, हमने 5 साल सरकार चलाई, हमने अपना कार्यकाल पूरा किया, तो आप आधी आबादी के बारे में कैसे भूल गए? तो अगर भूल गए हैं तो अब झारखंड की जनता, झारखंड की बिटिया, झारखंड की मैया अब तैयार है वो लड़ाई लड़ने के लिए जिसको हेमंत सोरेन जी ने, हमारी गठबंधन, महागठबंधन सरकार निरंतर लड़ रही है। बस आप बहुरूपियों से पैच करके रहिएगा, इनके चेहरे, इनकी बातें इसमें मत फंसिएगा। अपना मान, आपका आत्मसम्मान, आपका स्वाभिमान, उस पे विश्वास रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है और आज आप लोग आए हैं, मैं अपनी बातों को यही समाप्त करना चाहती हूँ और दिल से मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ सभी को। बहुत धन्यवाद है, नमस्कार है, जय हिंद, जय झारखंड।